हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि। स्वागत है आप सभी का अंजलि डिज़ाइंस में। तो आज आपके साथ शेयर करूंगी फोर टक्स का ब्लाउज। 34 साइज़ के अकॉर्डिंग रहेगा और ये बहुत ही डिज़ाइनर तरीके से मैंने बनाया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अस्तर को 1 फोल्ड कर लिया है। ओपन साइड सामने रहेगी और फोल्डिंग साइड हमारी तरफ। हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए अस्तर को बराबर कर लेना है नीचे से। अब लेंथ ले लेनी है, तो लेंथ मैं लूँगी यहाँ पर 14 इंच। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ले। डीप नेक के अकॉर्डिंग मैं लूँगी शोल्डर यहाँ पे 5.5 इंच। आर्म होल रहेंगे हमारे यहाँ पे 6 इंच। ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। 8.5 मैं लूँगी 34 साइज़ के अकॉर्डिंग और 2 इंच का मार्जिन। अब आपका भी चेस्ट के अकॉर्डिंग इसी मेथड से बना सकते हैं। 30 वेस्ट के लिए मैं लूँगी यहाँ पे 8 इंच, 2 इंच का मार्जिन और 1/2 इंच एक्स्ट्रा। इस तरीके से सारी लाइन्स को ज्वाइन कर लेना है। अभी हमारा फ्रंट पार्ट है, तो 1/2 इंच हमें अंदर की ओर इसमें मार्जिन रख लेना है। 1 इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे आर्म होल पे गोलाई दे दे। अब नेक की मार्किंग करेंगे, तो नेक में लूँगी यहाँ पे 2.5 इंच। लेंथ में लूँगी यहाँ पे 6.5 से 7 इंच। आप आपके डीप के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है। अब हम यहाँ से टक्स का निशान लगाएंगे, तो वेस्ट से मैं लूँगी यहाँ पे 4 इंच। ऊपर से हमें एक 10 इंच पे प्लस पॉइंट बना लेना है। अब साइड से मैं लूँगी यहाँ पे 3.5 इंच। अब जो भी हमारा सेंटर आएगा उससे ले लेना है, तो मैं ऊपर लूँगी 3.5 इंच। बीच वाला टक्स रहेगा हमारा 2 इंच का। नीचे वाला टक्स भी रहेगा हमारा यहाँ पे 2 इंच। और जो साइड टक से हमें प्लस पॉइंट से 2 इंच का मार्जिन रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आर्म होल पे हमें दे देना है 2.5 से 2 इंच। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ले। हमारा यहाँ पे एकदम प्रॉपर सर्कल शेप ड्रॉ होना चाहिए। इस तरीके से सारे टक्स को मैच कर लेना है। अब नेक पे हमें हमारे अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर लेनी है। मैं यहाँ पर नेक आज बनाऊँगी 5 शेप का। वेस्ट पे हमें 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सेंटर लाइन से ज्वाइन कर लेना है। इस तरीके से सारे टक्स हमारे यहाँ पे बन चुके। बैक पार्ट हम बनाएंगे, तो सबसे पहले 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ज़्यादा कपड़ा वेस्ट नहीं करेंगे, हम यहीं से ही मार्किंग लगाएंगे। तो शोल्डर लिए मैंने यहाँ पे 5.5 इंच। 1/2 इंच का मार्जिन रखने के बाद ही 5.5 इंच का मार्जिन लगाना है। बैक पार्ट है, तो हमारा फ्रंट पार्ट से बड़ा रहेगा, तो ये रहेगा हमारा 6.5 इंच। वेस्ट लेंगे हम यहाँ पे 8.5 इंच और 2 इंच का मार्जिन। स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर ले। अब लेंथ ले लेनी है हमें यहाँ पे 14 इंच। बैक पार्ट हमारा ओपन रहेगा। वेस्ट का 4th पार्ट लगा लेना है। मैं यहाँ पे लूँगी 8 इंच, 30 साइज़ के अकॉर्डिंग, 2 इंच का मार्जिन और 1/2 इंच एक्स्ट्रा। सारी लाइंस को ज्वाइन कर लेना है। अब नेक ड्रॉ करेंगे, तो हम यहाँ पे लेंगे 2.5 इंच विड्थ। लेंथ आप आपके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं यहाँ पे डीप रखूँगी, तो लूँगी 9.5 इंच या 9 इंच। इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स में आप आपके अकॉर्डिंग शेप ड्रॉ कर सकते। बैक नेक मेरा वी रहेगा। टक्स का निशान लगा लेना है 4 इंच पे। लेंथ भी रहेगी 4 इंच। इस तरीके से वेस्ट में हमें 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सेंटर लाइन से ज्वाइन कर लेना है। इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब आर्म होल पे हमें 1 इंच का मार्जिन रखते हुए गोलाई दे देनी है। नेक हमारा डीप है, तो हम शोल्डर से नेक की तरफ 1/2 इंच डाउन करेंगे दोनों साइड से। अब हमें इसे कट कर लेना है मार्किंग के अकॉर्डिंग।
दोनों पार्ट के अस्तर को मैंने इस तरीके से कट किया है। बैक हमारा ओपन रहेगा, फ्रंट हमारा फोल्ड ही रहेगा। अब हम इसे मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। तो फ्रंट वाला पार्ट मैं यहाँ पे सीक्वेंस लूँगी जॉर्जेट के ऊपर, आप आपके अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। फ्रंट पार्ट को अच्छे से सीक्वेंस पे एडजस्ट कर लेना है। बस ध्यान रहे फ्रंट पार्ट हमारा फोल्डिंग साइड पे ही कट हो। इस तरीके से अस्तर के अकॉर्डिंग इसे कट कर लेना है। मार्जिन हमें ज़्यादा नहीं रखना है, बिल्कुल एज इट इज़ रख के ही कट करना है। फ्रंट पार्ट हमारा यहाँ पे कट हो चुका है, देख सकते हैं आप। अब हम बैक पार्ट कट करेंगे। बैक पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल जॉर्जेट लिया है उसी कलर का। बैक पार्ट हमारा ओपन रहेगा, अच्छे से एडजस्ट कर ले इसे कपड़े के ऊपर। एडजस्ट करके इसे कट कर लेना है। सभी पार्ट्स की हमारी यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसी का स्टिचिंग पार्ट। तो चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।